हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग साइज सेपरेशन के दो इक्विपमेंट साइक्लोन सेपरेटर और बैक फिल्टर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोन सेपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड। इसमें से हम जो फ्लूइड में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस वो डिपेंड अपॉन जो हमारी सेपरेशन की प्रोसेस है वो दो चीजों पे वो डिपेंड करती है, हमारे सब्सटेंस का पार्टिकल साइज क्या है और उसके पार्टिकल की डेंसिटी क्या है। तो ये जो है पार्टिकल साइज के अनुसार से और पार्टिकल की डेंसिटी के अनुसार से पार्टिकल्स को सेपरेट करता है। तो आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है। इसमें एक अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट वर्टिकल एंड जो है सिलेंड्रिकल वेसल विथ कॉनिकल बेस। ये एक जो है शॉर्ट मतलब छोटा और जो है आपको वर्टिकल मीन्स खड़ा हुआ और एक गोलाकार वेसल होता है जिसका बेस जो है वो कॉनिकल होता है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है जो भी हमारा फ्लूइड है वो जिसके अंदर से हमें पार्टिकल्स को अलग करना है उसको हम यहाँ से देते हैं टेंजेंशियल इनलेट देते हैं, मीन्स वो एक एंगल से उसके अंदर फ्लूइड के साथ में आता है और जो हमारा फ्लूइड है उसका आउटलेट यहाँ से ऊपर से फ्लूइड बाहर निकल जाता है और जो भी हमारा सब्सटेंस है वो जो है नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड विद ए जो है टेंजेंशियल इनलेट। जो हमारे इक्विपमेंट का अपर पार्ट है वो एक टेंजेंशियल जो इनलेट से फिट रहता है, वहाँ पे एक टेंजेंशियल जो है जो इनलेट हम प्रोवाइड करते हैं। द आउटलेट फॉर द सॉलिड इज एट द बेस, मीन्स जो हमारे सॉलिड्स है उनका आउटलेट जो है नीचे से होता है बेस से होता है और जो फ्लूइड आउटलेट इज अरेंज एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन, मीन जो हमारा टॉप पोर्शन है उसके बीच में हम फ्लूइड आउटलेट के लिए एक जो असेंबली अटैच करते हैं जिससे कि हमारा टेंजेंशियल फ्लो डिस्टर्ब ना हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो जिस सॉलिड को हमें सेपरेट करना होता है उसको हम जो है गैस की स्ट्रीम में सस्पेंड कर देते हैं। अधिकतर वो जो गैस है वो एयर होती है, बट अगर हमारा सब्सटेंस एयर के कॉन्टेक्ट में आने से खराब हो सकता है या ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो वहाँ पे हम कोई और गैस भी यूज कर लेते हैं। तो ये उसके अंदर हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली एट वेरी हाई स्पीड, इसको हम टेंजेंशियली वेरी हाई स्पीड से इक्विपमेंट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं डालते हैं। वहाँ पे एक जो है रोटरी एक्शन क्रिएट होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और जो है वर्टिक्सिंग थ्रो के कारण जो है जो हमारा सॉलिड है वो वॉल की ओर थ्रो होता है और जो हमारी एज द एयर स्पीड डिमिंसेस, वो जैसे जैसे एयर की स्पीड स्लो होती जाती है जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं एज पर वो देयर पार्टिकल साइज या आप कह सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी के अनुसार वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो जैसे जैसे फ्लो की स्पीड स्लो होगी जो सबसे भारी पार्टिकल है वो गिरेगा और स्लो होगी उससे जो हल्का पार्टिकल है वो गिरेगा और लास्ट में जो सबसे हल्का पार्टिकल है वो जो है हमारा डिस्चार्ज के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसका जो यूज है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द सॉलिड फ्रॉम गैस, गैस से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, इसमें जो है वो लिक्विड के अंदर से जो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। एंड फॉर द सेपरेटिंग द हैवी आर कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फाइन डस्ट, अगर जो हमारा सब्सटेंस है उसमें से जो हैवी पोर्शन है उसको और फाइन डस्ट को अलग अलग करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बैक फिल्टर के बारे में। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन बैक फिल्टर साइज सेपरेशन ऑफ फाइन्स फ्रॉम द मिल्ड पाउडर इज अचीव्ड इन टू स्टेप्स, इसमें जो हमने जो सब्सटेंस का साइज सेपरेशन किया है उनमें से डस्ट को बाहर निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं और इसको दो स्टेप में किया जाता है। जो पहला स्टेप है द मिल्ड पाउडर इज पास थ्रू ए बैक फिल्टर बाय अप्लाइंग द सक्शन फोर्स एट द अपोजिट साइड ऑफ द फीड एंट्री, मीन्स जहां से फीड आ रहा है वो जहां से वो एयर आ रही है वो जिसके अंदर से आपको
सब्सटेंस को बाहर निकालना है, उसके अपोजिट वो साइड हम एक जो है सक्शन क्रिएट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि बैग के बाहर से एक हम सक्शन क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो बैग के ऊपर जो है वो चिपक जाता है और फ्लूइड बाहर निकल जाता है, एयर बाहर आ जाती है। और वो दूसरा इसका स्टेप है वो क्या है, प्रेशर इज अप्लाइड टू सेक द बैग सो दैट पाउडर ऑन द बैग फॉल डाउन। मीन्स हम उस प्लेस पे जो हमारा बैग है उसको हम सेक करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि जो सब्सटेंस हमारे बैग के ऊपर आ गया है वो वहाँ से नीचे गिर जाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इस इक्विपमेंट का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर इसको हम समझेंगे तो इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट असेंबली है वो होता है बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट। ये हमारे डैम्पर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। वो डैम्पर क्या है, वो डैम्पर ये एक ऐसी असेंबली है जो कि इक्विपमेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटसाइड के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है। यहाँ पे डिस्चार्ज जो है मैनिफोल्ड होता है, ये इस प्लेस से हमारा फ्लूइड आउटसाइड की ओर डिस्चार्ज होता है। ये पूरी असेंबली एक जो है मेटल केसिंग के अंदर रहती है और जो भी हमारी एयर है जिसके अंदर डस्ट है, जिसमें से हमें डस्ट को सेपरेट करना है, वो यहाँ से अंदर की ओर लैंड करती है। यहाँ पे जो है डस्ट ऊपर रहता है और जो भी पार्टिकल्स हमारे सेपरेट होते हैं उसको हम यहाँ से नीचे कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और वूल फैब्रिक्स। मीन्स जो इसके अंदर बैग्स होते हैं वो कॉटन या वूल फैब्रिक के बने हुए होते हैं और काफ़ी सारे नंबर्स में होते हैं। ये जो हमारे बैग्स हैं ये सस्पेंडेड होते हैं जो मेटेलिक कंटेनर के अंदर। जो हमारा हुपर है वो नीचे की ओर अरेंज रहता है और जो हमारा बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट है ये जो है इक्विपमेंट के अंदर के एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करने के लिए यूज होता है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो वर्किंग है वो दो पार्ट में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाई पासिंग थ्रू द क्लॉथ बैग। मीन्स जो भी फीड है उसके अंदर से पार्टिकल्स जो हमें सेपरेट करना है उसके लिए हम उसको जो है बैग के थ्रू पास करते हैं। तो हम जब इसको बैग के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो बैग के ऊपर रुक जाते हैं और जो भी हमारा फ्लूइड है एयर है वो इसके थ्रू पास हो जाती है। तो जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, बैग्स आर सेकेंड टू कलेक्ट द फाइंस। फिर हम बैग को सेक करते हैं और जो भी हमारा वो सब्सटेंस बैग के ऊपर था वो वहाँ से निकल आता है। अब ये दोनों प्रोसेस जो है कंट्रोल्ड होती हैं जो है बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट के द्वारा। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमारा ये किस तरह का होता है, जो है बेल क्रैंक लीवर जो है अरेंजमेंट कैसा होता है। इन दिस मैकेनिज्म ए क्रैंक शाफ्ट विद ए कैम इज अलाउड टू रोटेट एट ए लो स्पीड। इसके अंदर जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है और हमारा कैम है वो स्लो स्पीड में रोटेट होता है। तो जब ये वो रोटेट होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग रोटेशन कैम कैन आइदर प्रेस द बेल क्रैंक आर डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट। ये तो या तो उसके उसको प्रेस करता है या उसके कांटेक्ट में ही नहीं आता है। और वो डिपेंडिंग ऑन दिस मैकेनिज्म द डैम्पर चेंज इट्स पोजीशन। अगर कांटेक्ट में आ गया तो मतलब वो डैम्पर अपनी जो पोजीशन चेंज कर देता है, और अगर ये कांटेक्ट में नहीं आया तो डैम्पर अपनी जो पोजीशन नहीं चेंज करता। दीज चेंजेस अकर एट इंटरवल ऑफ फ्यू मिनट्स। ये जो चेंजेस हैं वो डैम्पर की मतलब पोजीशन के, ये कुछ मिनट के इंटरवल पे इसमें होते रहते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप था उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग पीरियड। तो इसमें क्या होता है, अ गैस कंटेनिंग फाइंस पार्टिकल्स या उसको आप डस्ट भी कह सकते हैं इंटर्स द हुपर एंड मूव अप। मीन्स वो गैस जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स हैं वो जो हुपर के अंदर इंटर करती हैं और ऊपर की ओर मूव करती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द गैस फीड पास थ्रू द फैब्रिक बैग। मीन्स वो जो भी हमारा गैस फीड है जिसके अंदर की पार्टिकल्स हैं वो जो है हमारे बैग के फैब्रिक्स के थ्रू पास होती हैं। वो ड्यूरिंग दिस फाइंस आर रिटेन्ड इन द बैग एंड द गैस रीचेज द टॉप ऑफ द केसिंग। मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बैग के ऊपर रुक जाते हैं और जो हमारा फ्लूइड है वो जो है केसिंग में ऊपर की ओर जाता रहता है। बिकॉज ऑफ एयर द बैग
रिमेन टफ ड्यूरिंग द फिल्टरिंग ऑपरेशन. तो एयर के कारण उस समय जो हमारे बैग्स होते हैं वो टफ रहते हैं, मीन्स वो पूरी तरह से खुले हुए रहते हैं. अब हम दूसरे स्टेप को देख लेते हैं. इस स्टेप को हम कहते हैं सेकिंग पीरियड. इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स डिस्चार्ज होते हैं. तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है. वो ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेल क्रैंक वो लीवर रोटेट्स एंड चेंज द पोजिशन ऑफ डैम्पर. इसमें क्या होता है कि जो हमारा वो लीवर है वो अपनी रोटेट होता है और डैम्पर अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है. तो जब वो चेंज कर देता है तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है. आउटसाइड एयर इंटर द जो मेटेलिक केसिंग एंड वैक्यूम ब्रोकन, मीन्स जो वहाँ पे प्रेशर था वैक्यूम था वो ब्रेक हो जाता है. आउटसाइड की एयर उसके अंदर आना शुरू होता हो जाती है. इट विल कॉज वायलेंट शेकिंग और वो जर्किंग मोशन इन द बैग. ये क्या करता है कि हमारे बैग को शेक करता है या उसके अंदर जो है लाता है जर्किंग मोशन लाता है. उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा वो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर में जो वो कलेक्ट हो जाता है उसमें से, मतलब जो भी हमारा बैग है उसके ऊपर से वो नीचे गिरते हैं और ऊपर के हमें वो कलेक्ट हो जाते हैं, वहां से हम उसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं. अब हम इसका यूजेस देख लेते हैं. तो इसका जो पहला यूज है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज फैब्रिक डस्ट वो कलेक्टर. ये जो है कहलाता है फैब्रिक डस्ट कलेक्टर भी कहलाता है. यूज्ड टू सेपरेट डस्ट फ्रॉम डस्टी गैसेज. अगर कोई डस्टी गैस है तो उसमें से डस्ट को अलग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. इसका दूसरा जो उपयोग है वो क्या है, इट इज यूज्ड मोस्ट इफिशियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डस्ट वो कलेक्टर. ये जो वो काफी इफिशियंट और जो है कॉस्ट इफेक्टिव डस्ट वो कलेक्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें जो हेलो कोई भी पार्ट उस तरह से मूव वो नहीं हो रहा है टूट फूट हो, तो इसके कारण कि ये इक्विपमेंट वो काफ़ी वो ज़्यादा चलता है, इसमें वो ब्रेकेज वगैरह नहीं होता तो एक्स्ट्रा कास्ट नहीं लगता. तो इफिशियंट जो है और कास्ट आप कह सकते हैं कास्ट इफिशियंट मेथड ये कहलाता है. इट इज ऑल्सो यूज अलार्म साइक्लोन सेपरेटर. इसको हम जो है जो इससे पहले हम लोगों ने इक्विपमेंट जब पढ़ा साइक्लोन सेपरेटर उसके साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं. और जो अंतिम इसका यूज है वो है यूज टू क्लीन एयर ऑफ ए रूम. अगर हमको रूम की एयर भी क्लीन करनी है तो हम इस इक्विपमेंट को यूज करके रूम की एयर को क्लीन कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों इक्विपमेंट आप लोगों को समझ में आए होंगे. अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. धन्यवाद.